सभी सुनने वालों को अजय दी वाधवा का सुप्रभात। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगा। एक किसी बड़ी कंपनी में, सरकारी कंपनी में, एक बहुत बड़ा अधिकारी थे। वो बहुत अच्छे अधिकारी थे, उनके साथ समस्या ये थी कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे। उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता था और जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो फिर अपना आपा इतना खो देते थे कि किसी को वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आता था। वो ना सिर्फ अपशब्द बोलते थे बल्कि वो गालियां भी देते थे अपने सहकर्मियों को, अपने साथ जूनियर काम करने वाले सहयोगियों को। वो गुस्से में आने के बाद माँ बहन की गालियां भी देते थे और वो प्रायः ऐसा करते थे। उनके मातहत, उनके जो साथ लोग काम करते थे, वो उनसे परेशान रहते थे। और ये अफसर जब, ये अधिकारी जब उनको गालियां देते थे, इनका ही मूड खराब होता था। शाम को चिड़चिड़ करके घर आते थे। अब वो, इनका मूड खराब रहता था तो वो उनका जो चिड़चिड़ाहट है वो घर में पत्नी पर, बच्चों पर, माँ बाप पर निकलती थी, तो पूरे घर में अशांति थी। अधिकारी को लगा, खुद समझ में आया कि ये ठीक नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा करता हूँ, पर गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। उन्होंने क्या किया, उनके घर के बगल में एक बड़ा मंदिर था जहाँ कई विद्वान पुजारी शाम को बैठ के चर्चा किया करते थे। तो वो एक दिन मंदिर चले गए शाम को, अपने कार्यालय से आने के बाद तो मंदिर गए, वहाँ देखा कई विद्वान पुजारी बैठे हैं। वो एक पुजारी के पास गए और उनको नमस्ते करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी एक समस्या है। पुजारी ने जब समस्या को जानना चाहा तो उस अधिकारी ने समस्या बताया। उन्होंने बताया कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो आपा खो देते हैं, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, जिससे उनका भी मन खराब होता है। जिसको वो गालियां देते हैं, डांटते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनका भी मन खराब होता है, रिलेशन खराब होते हैं, घर की शांति खराब हो रही है, मेरी मानसिक शांति खराब हो रही है, तो मैं कैसे गुस्से को कंट्रोल करूं। पुजारी ने ध्यान से सुना और उसे कहा कि देखो, अभी तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि आप उसको कंट्रोल करें, अपने गुस्से को नियंत्रण में करें, पर आप एक काम करें, आप रहते कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बगल में ही रहता हूँ, मेरा बंगला है और बंगले के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको लकड़ी की दीवार से घेरा गया है। तो पुजारी ने कहा कि आप ऐसा करें कि प्रतिदिन जितने व्यक्तियों को आप गाली दें उस सबका नाम आप स्मरण करें, उन सबको गिने कि आपने कितनी गालियां दी, और जितनी आपने गालियां दी हैं उतनी कीलें रात को जाकर, घर जब वापस जाएं तो उतनी कीलें जो आपके बगीचे के लकड़ी की दीवार है उस पर ठोक दें। अधिकारी ने कहा इससे क्या होगा। पुजारी बोला आप एक माह ये काम तो करिए, एक महीने तक करिए, फिर आइए, देखिए कुछ रास्ता निकलेगा। अधिकारी वापस आए, उसके बाद जो कार्यालय गए तो फिर वही अपने सहयोगियों से, सहकर्मियों के साथ, अपने जूनियर के साथ डांट डपट, गाली गलौज। जब शाम को 7-8 बजे घर वापस आए, आराम किया, चाय पी, उन्हें याद किया कि आज कितने लोगों को मैंने गाली दी। जितने लोगों उन्होंने गाली दी थी उन्होंने क्या किया, उतनी कीलें निकाली, घर में उन्होंने कीलें खरीद कर ले आए थे, हथौड़ी लेके पिछवाड़े में गए और जो लकड़ी के चौखट थे, जो बगीचे की जो दीवार थी, चार दीवारी थी, उसमें उन्होंने उतनी कीलें ठोक दी। अभी उनका प्रतिदिन का कार्य हो गया। रोज वो लोगों को गाली देते, रात को घर वापस आते, लोगों की संख्या गिनते और फिर उतनी कीलें जाकर चौखट पर बाहर ठोकाते। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। अब पुजारी के पास जाने का समय आ गया। अब पुजारी के पास जाने के पहले वो अधिकारी सुबह सुबह अपने बाग में घूमने गए, जहाँ गए तो दंग रह गए। पूरे बाग की चार दीवारी की चौखट उनकी कीलों से ठुकी पड़ी थी। उन्हें बहुत शर्म आई कि उन्होंने महीने भर इतनी गालियां दी, इतने लोगों को नाराज किया कि इतनी कीलें उन्हें ठोकनी पड़ी। वो तुरंत पुजारी के पास गया, उसको बताया कि गुरु मैंने ऐसा किया है, पर पूरी मेरी चार दीवारी करीब करीब कीलों से पट गई है। पुजारी ने कहा कि देखा तुमने एक महीने में कितने लोग गालियां दी, अब इस गालियों को देना कम करो, और एक काम करो, जितने लोगों को तुमने इस बार गालियां दी पिछले माह, उनको एक एक करके बुलाओ, अब बुलाने को उनको सॉरी कहो, उनको कहो अफसोस जाहिर करो, उनको दुख जाहिर करो, अब कहो कि अब वो उनको गालियां नहीं देंगे। अफसर वापस गया और अगले दिन से उसके ऑफिस में था बर्ताव में उसे परिवर्तन आया। उसने अपने चपरासी को बुलाया, उसने अपने ड्राइवर को बुलाया, उसने अपने सहकर्मियों को बुलाया और कहा कि मैंने जो आपको गालियां दी थी उसके सॉरी। जितने लोगों ने सॉरी कहा और उतना कहने को जब घर आया तो उसने पुजारी के कहे अनुसार जितने लोगों को उसने आज दिन में सॉरी कहा था उतनी कीलें उसने चौखट से रात को निकाल दी। अब वो प्रतिदिन क्या करते, अधिकारी ऑफिस जाते, लोगों को सॉरी बोलते जिनको उन्होंने गालियां दी थी, अपशब्द कहे थे, और जितने लोगों को बोलते उनका नाम काउंट करते, गिनते, और रात को घर आके फिर पिछवाड़े में जाकर उतनी कीलें जो उन्होंने पहले ठोकी थी उसको वो निकाल देते। एक महीना पार हो गया। उन्होंने एक दिन फिर वो सुबह गए और जाकर उन्होंने देखा कि अब मैक्सिमम कीलें, ज्यादातर कीलें निकल चुकी थी, पर जो कीलें निकल चुकी थी
उसके जो छेद बने हुए थे वो चौखट पर अभी भी थे। चौखट की सुंदरता खत्म हो गई थी, जो कीलें निकली थी उसके चौखट पर अभी भी उन कीलों के ठोकने के निशान बने हुए थे, गड्ढे बने हुए थे। वो फिर पुजारी के पास गए, उन्हें कहा कि मैंने आपके कहे अनुसार पहले कीली ठोकी और फिर कीलें निकाली। जब मैं लोगों को सॉरी बोलता हूँ मुझे अच्छा लग, मैं कीलें निकालता हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे अब मेरे जो मैं डेली लोगों को अपशब्द बोलता हूँ, वो जो मैं कीलें ठोकता हूँ उससे कीले निकालने की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैं लोगों का अपशब्द बोलना मैंने कम कर दिया है और मैं लोगों के को सॉरी बोलने की संख्या बढ़ गई है, पर मैं जब कीले वापस निकालता हूँ तो चौखट मेरी खराब हो जाती है, बदसूरत हो गई है। उस चौखट का क्या किया जाए? आपके अनुसार मैंने कीले तो ठोक दी, पर मैंने जब कीले निकाली तो चौखट पर गड्ढे बने रह गए। पुजारी ने कहा आपने ऐसा ही किया और यही हमारे साथ होता है, जब किसी को गाली देते हैं तो उसके मन में दिल में कील ठुकती है, बाद में जब उसको सॉरी बोलते हैं तो कील तो निकल जाती है पर उसके मन में जिसको हमने अपशब्द कहा था उसके गड्ढे बने रह जाते हैं। यानी हम किसी को गलत बात बोलकर बाद में सॉरी बोलकर अपने आप को तो हम माफ कर सकते हैं, पर जिसको हमने कहा था उसको जो चोट पहुंची है, जो उसके घर में उसके दुख के गड्ढे जो उसके दिल में बने हैं, उसको हम कभी भर नहीं सकते। पुजारी ने कहा कि आइंदा से किसी को अपशब्द ना बोले और कोशिश करें कि जो आप बोल चुके हैं उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर उन जो ठुकी हुई कीले हैं बाकी बची हुई उनको भी निकालें और वापस जाएं। यही आपको आपका जीवन का बचे हुए जीवन का संदेश है। तो इस पूरी कहानी से हमें एक सबक मिलता है, पहला तो हमें किसी को अपशब्द बोलना ही नहीं चाहिए, पर अगर कभी मुंह से अपशब्द निकल गया तो उसे हमें सॉरी बोल देना चाहिए। पर हमें याद रखना चाहिए कि सॉरी बोलकर हम अपने मन को सांत्वना तो दे देते हैं, पर जिसको हमने सॉरी कहा उसके पहले जब हमने उसको अपशब्द कहा था, गाली दी थी, उसके मन में जो घाव हुआ था, जो कील ठुकी थी, वो कील तो हम निकाल रहे हैं सॉरी बोलकर, और उसके मन में लगे गड्ढों को, उसके मन में जो हमारी बातों के जो आघात लगे, चोट लगा, उसकी हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें पहले तो किसी को अपशब्द बोलने से ही बचना चाहिए। धन्यवाद।